नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो कि टायर इंडस्ट्री से है और काफी बेहतरीन है दोस्तों। लॉन्ग टर्म के लिए निश्चित रूप से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी गिरावट मिले तो जरूर इसमें इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड कीजिए। आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की पूरी क्षमता है इस स्टॉक में। सबसे पहले मार्केट कैप की बात करें तो 44,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 2,299 रुपीज है, मतलब 2,300 के आसपास इसका करंट प्राइस है। डिविडेंड की बात करें 0.74% डिविडेंड यील्ड है और प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 58% है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 23.9% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 21.1% है। अगर डेट टू इक्विटी की बात करें 0.17 डेट टू इक्विटी का है और टोटल जो डेट है कंपनी ऊपर 1000 करोड़ का है, तो कुछ खास डेट नहीं है। काफी बड़ी कंपनी है, वेल एस्टेब्लिश कंपनी है और वहीं रिजर्व भी अच्छा खासा है 5961 करोड़ का। और नेट प्रॉफिट जो एनुअल प्रॉफिट है, नेट एनुअल प्रॉफिट अभी 1178 करोड़ का है। हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी सॉलिड है। अगर बात करें इस कंपनी का, तो ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, टायर सेक्टर की लीडिंग कंपनी है और ये कंपनी जो बनाती है टायर वो एग्रीकल्चर सेक्टर के, जैसे आप ट्रैक्टर का यूज करते हैं एग्रीकल्चर में माल ढोने के लिए यूज करते हैं, तो उन सारे व्हीकल का ये एग्रीकल्चर में जो व्हीकल यूज होते हैं उसका टायर बनाती है। कंस्ट्रक्शन में जो यूज होता है, इंडस्ट्री में जो यूज होता है और साथ ही साथ जो माइनिंग में यूज होता है, पोर्ट्स पे यूज होता है, उन सारी व्हीकल का ये बालकृष्ण इंडस्ट्री जो है टायर मैन्युफैक्चर करती है। साथ ही साथ बात करें तो ये 160 प्लस कंट्रीज में इसके बिजनेस है इस कंपनी के, और 49% जो सेल्स है फ्रॉम यूरोप से होता है और 23% इंडिया में सेल्स होता है, अमेरिका में 15% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 13%। तो इतना डाइवर्सिफाइड, मतलब ग्लोबली डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इस कंपनी का, तो काफ़ी बेहतरीन चीज़ें हैं क्योंकि इस कंपनी के बिजनेस बहुत ही जल्द प्रभावित होने वाले नहीं हैं। अगर कंपनी की बिजनेस के बारे में डिटेल में जानना हो तो आप bkt.balkrishnatires.com पे विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर आप जैसे देखिए एग्रीकल्चर टायर्स में कौन कौन से कंपनी बनाती है, तो एग्रीकल्चर पे आपको क्लिक करना है। सारे एग्रीकल्चर में जो टायर यूज होते हैं इस कंपनी के वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, देख लीजिए। ट्रैक्टर में, हाई पावर ट्रैक्टर में, स्मॉल ट्रैक्टर में, मतलब एग्रीकल्चर में जो भी आपको देखने मिलेगा, माल ढोने वाले जो वाहक हैं यहाँ देखिए नीचे, तो वो सारे टायर्स बनाती है। फिर इंडस्ट्री टायर्स पे क्लिक करना है तो वो भी आपको देखने मिल जाएगा। तो मतलब जो सारी कंपनियां टायर बनाती है तो वो सारे के सारे टायर्स यहाँ पर आपको देखने मिल जाएंगे। साथ साथ OTR टायर वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये माइनिंग अर्थ में जो यूज होता है, ये सारे जो व्हीकल यूज होते हैं, साथ साथ जो हैवी इक्विपमेंट्स वाले व्हीकल यूज होते हैं, तो वो सारे टायर्स ये कंपनी बनाती है, तो सारे आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। अब बात करते हैं एनालिसिस का। तो देखिए एनालिसिस में कोई भी प्रोज और कॉन्स खास दिखाई नहीं दे रहा है, मात्र एक प्रोज है और एक कॉन्स है। मतलब ऐसे ओवरऑल कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। सिर्फ यहाँ पर प्रोज में दिखाया है कि डिविडेंड पे आउट जो है 29.39% का पे करती है कंपनी। कॉन्स में बात करें तो बुक वैल्यू से 7.41 टाइम्स पे ये ट्रेड करती है कंपनी। अब वहीं बात करें इसके जो पियर्स हैं, पियर्स में आपको MRF जैसे मिल जाते हैं कंपनी, अपोलो टायर्स मिल जाते हैं, सेट ये भी काफ़ी बेहतरीन है और TVS श्री चक्रा ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, गुड ईयर इंडिया ये भी काफ़ी बेहतरीन, मतलब कई सारी कंपनियां बेहतरीन, लेकिन बालकृष्ण इंडस्ट्री उन सब में से मेरा फेवरेट स्टॉक्स है। आपको भी मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट लॉस का, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है कंपनी के एनालिसिस का। तो सेल्स किस तरह से इंक्रीज हुआ ये देख लेते हैं। 2010 में 1526 करोड़ का सेल्स था, जो कि बढ़कर के हो गया 5783 करोड़ का। तो काफ़ी बेहतरीन सेल्स इंक्रीज हुआ है, लगभग 4 times हो चुका है। प्रॉफिट की बात करें, जो नेट प्रॉफिट है 2010 में 219 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, लगातार इंक्रीज हुआ, और 2021 में ये हो गया 1178 करोड़ का ये नेट प्रॉफिट। तो देखते हैं प्रॉफिट में 5 times से भी ज़्यादा का जंप हुआ है। तो हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, सेल्स में भी ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है। अब बैलेंस शीट की बात करें, शेयर कैपिटल कंपनी के पास 39 करोड़ का है, रिजर्व कंपनी के पास 2010 में था 662 करोड़ और बढ़ करके हो गया 5961 करोड़ का। तो लगातार रिजर्व इंक्रीज हुआ है। बोरविंग की बात करें, 478 करोड़ का बोरविंग था 2010 में, मतलब जो डेट था कंपनी के ऊपर, और ये डेट पहले तो बढ़ते चला गया और फिर धीरे धीरे डिक्रीज हुआ है डेट, और टोटल डेट अभी कंपनी के ऊपर 1000 करोड़ का है। उसके बाद करते हैं कैश फ्लो का। तो जो कैश फ्लो है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, जो कैश फ्लो है 210 करोड़ था 2010 में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो कैश फ्लो है हमेशा पॉजिटिव रहा है, तो जो कि काफ़ी बेहतरीन साइन है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से जो कैश है वो निगेटिव रहा है,
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी से जो कैश फ्लो है वो भी निगेटिव रहा है, तो नेट कैश फ्लो देख सकते हैं पॉजिटिव रहा है। तो कैश फ्लो हमेशा कंपनी जो है निगेटिव रहा था पहले 2017 तक, लेकिन 2017 के बाद हमेशा कैश फ्लो जो है कंपनी का वो पॉजिटिव रहा है। और सबसे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो कैश फ्लो है वो हमेशा पॉजिटिव देखने मिल रहा है। अब रेशियो की बात करें तो जो रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड है उसकी बात करें तो लगभग 24% है, और ये हमेशा काफ़ी बेहतरीन रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड लगभग हमेशा 15% से एबव रहा है। डेबिटर्स डेज की बात करें तो डेबिटर्स डेज यहाँ पर देखते हैं अभी 48 है, जो कि लगभग कांस्टेंट रूप से बना हुआ है इसके आसपास। इन्वेंट्री टर्न ओवर की बात करें तो इन्वेंट्री टर्न ओवर 3.2 है, जो कि अच्छा खासा है। अगर 5 हो 6 हो तो और ज़्यादा बेटर होता है। तो इन्वेंट्री टर्न ओवर जो सेल्स के इफिशेंसी को दिखाता है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है। हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन दिख रही है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 58.30 है, FIs की होल्डिंग 14.40 है। तो FIs प्लस प्रमोटर्स दोनों का होल्डिंग मिला करके काफ़ी अच्छा खासा है, लगभग 72% है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। DIs की होल्डिंग 14.60 है, ये भी काफ़ी बेहतरीन है। पब्लिक का होल्डिंग 12.71% है। तो इस बेहतरीन स्टॉक में पब्लिक का होल्डिंग भी अच्छा खासा है। जनरली इतने अच्छे स्टॉक में पब्लिक की होल्डिंग आपको काफ़ी कम देखने मिलेंगे, क्योंकि जो जनरली रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो एस बैंक जैसे शेयर में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अब बात करते हैं कंपनी का जो प्राइस का चार्ट है उसकी, किस तरह से प्राइस में ग्रोथ देखने मिला है। देखिए प्राइस के फ्लक्चुएशन को समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि प्राइस में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने मिलता है, वोलेटिलिटी देखने मिलता है, जिसके कारण बहुत सारे इन्वेस्टर उसमें पैसेंस नहीं रख पाते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं 2006 से, मतलब 2006 से पहले भी ये स्टॉक देख सकते हैं, ये 126 का हुआ करता था, वहाँ से काफ़ी गिरावट देखने मिला, गिरावट होते चला गया, और ये स्टॉक्स अपना लो बनाता है लगभग 15 रुपीज़ के आसपास का, और यहाँ 15 रुपीज़ से ये स्टॉक फिर यहाँ से मोमेंटम पकड़ता है और लगातार इसमें तेज़ी देखने मिलता है। और 15 रुपीज़ से देख लीजिए डायरेक्ट ये 400 पर यह स्टॉक जा करके रुकता है, और यहाँ पर फिर कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है। कंसोलिडेशन के साथ थोड़ी सी गिरावट भी होती है इस स्टॉक में, और ये 273 रुपीज़ तक आता है गिर करके। तो 400 से गिर करके 273 रुपीज़ तक आता है, और वहाँ से फिर से ये मोमेंटम पकड़ता है ये स्टॉक, और वहाँ से जो मोमेंटम होता है तो ये स्टॉक पहुँच जाता है 1355 रुपीज़, और ये 2018 में पहुँचता है। 2018 के बाद थोड़ा सा जो ऑटो सेक्टर अंडर परफॉर्म था, तो वहाँ से थोड़ा सा इसमें भी गिरावट होती है, और ये स्टॉक वहाँ से देख सकते हैं लगभग 50% क्रैश होता है, और 700 पर ये स्टॉक पहुंच जाता है। फिर से वो स्टॉक यहां से मोमेंटम पकड़ता है और चला जाता है 2298 रुपीज़ पर। तो इस तरह से कुछ प्राइस का जर्नी रहा इस स्टॉक का, तो जो कि काफ़ी बेहतरीन जर्नी है इस स्टॉक का। तो ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। फिर से मिलते हैं इसी तरह के एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।